चाहूंगा इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन नहीं होगा, प्रधानमंत्री मोदी संबोधित नहीं करेंगे, तो क्या सीधा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा या जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्या वो बड़ी घोषणा उनके एक्स पर हुए उस पोस्ट से जुड़ी है जो हमने आपको पढ़कर सुनाया है। अदिति हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई है। अदिति, अचानक से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल होना या फिर कोई कंफ्यूजन इसको लेकर रहा है? बहरहाल जो भी है, CAA लागू हो सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 5:34 पर जो एक्स पर पोस्ट किया वो हम आपको एक बार फिर से पढ़कर सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री लिखते हैं, प्राउड ऑफ अवर DRDO साइंटिस्ट फॉर मिशन दिव्यास्त्र, द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ डेवलप अग्नि 5 मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी। और इसको लेकर DRDO को शुभकामनाएं दी गई हैं। क्या वाकई में यही वो बड़ी घोषणा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करना चाह रहे थे? हालांकि हो सकता है समय के अंदर कुछ बदलाव हुआ हो, फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से खबर है कि रात 8 के आसपास CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर कह चुके हैं कि CAA को लागू किया जाएगा, चुनाव में आने से पहले लागू किया जाएगा। और यह भी सच है कि बाकायदा गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर ड्राई रन हो चुका है, CAA का ड्राई रन हो चुका है, और इसलिए इसको लागू करने में बहुत ज्यादा दिक्कत सरकार को नहीं आएगी। संसदीय प्रक्रियाओं के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति के सहमति के 6 के भीतर तैयार किए जाने चाहिए, ऐसा ना होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। CAA के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन लेता रहा है। दरअसल पिछले 2 में 9 के 30 से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेट्स गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई, जिन 9 राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई वो है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि बाकायदा इसका ड्राई रन हो चुका है, ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत इसको लागू करने में नहीं आने वाली है। तो प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि रात 8 के आसपास CAA का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।